ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आज की कमोडिटी और करेंसी स्ट्रैटेजी बताने के लिए एंजल कमोडिटीज का अनुज गुप्ता साहब जुड़ते हुए। अनुज जी हाय, गुड मॉर्निंग। बताएं सर, क्या मूड है, कच्चा तेल किधर जाने की तैयारी कर रहा है? आशीष जी गुड मॉर्निंग। देखिए, क्रूड में जो ट्रेंड पकड़ा है वो पॉजिटिव ही पकड़ा है। अगर हम देखें तो अब 77 डॉलर के अराउंड भाव आते हुए दिखाई दिए हैं। मुझे लगता है कि जल्दी ही 80 डॉलर तक के लेवल देखने को मिलेंगे। और अगर हम देखें तो एमसीएक्स में भी भाव ऊपर की तरफ आते हुए दिखाई दिए हैं। हमें लगता है कि अभी भी जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव रहेगा, तो क्रूड के अंदर बाय करके चलना चाहिए 5080 पे। स्टॉप लॉस 4940, टारगेट ऊपर करीबन 5180 तक देखने को मिल सकता है। हमें लगता है कि ट्रेंड पॉजिटिव ही रहेगा क्रूड में। क्रूड के अलावा देखिए, गोल्ड अगर देखें तो अब 1250 डॉलर के नीचे आता हुआ दिखाई दिया है, तो कहीं ना कहीं एक सेलिंग प्रेशर गोल्ड में है। हमें लगता है कि 1250 अब रेजिस्टेंस जोन रहेगा, तो गोल्ड और सिल्वर के अंदर बिकवाली करके चलना चाहिए। हमें लगता है कि गोल्ड में बिकवाली करके चल सकते हैं, नीचे करीबन 30,000 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं और करीबन 1220 डॉलर तक के लेवल गोल्ड में देखने को मिल सकता है। ठीक बात, धन्यवाद सर आपका। तो कच्चा तेल खरीदारी करने के मौके और ब्रेंट 80 डॉलर तक जाने की तैयारी पर है, इस बात का ध्यान रखें। सोना बिकवाली करने के मौके लेवल्स आप लोग की स्क्रीन पर, रुपया खरीद कर चले जो 6880 के लेवल्स पे खरीदे, 6930 के टारगेट, रुपया ट्रेड में अच्छा खासा कमजोर होने की तैयारी कर रहा है। कच्चा तेल अगर उछलना है तो रुपये में कमजोरी आनी है, तो ये स्ट्रैटेजी आज के लिए आपके लिए। चलिए अब ब्रोकरेज रेडार पर क्या है सोनम, बताएं।